नोएडा स्थित मार्वल स्टूडियो में 15वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में दूसरे दिन के तीसरे सत्र में शानदार फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें फैशन शो के द्वारा बॉलीवुड की खूबसूरती पेश की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में एक्टर साहिल आनंद, दिग्गज एक्टर ब्रजेंद्र काला, नायरा बैनर्जी, पूनम यादव, कनिका शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। ICMEI के संस्थापक डॉ. संदीप मारवा ने कहा कि इस फैशन शो को बॉलीवुड के चर्चित गानों पर डिजाइन किया गया है, जिसमें पॉपुलर गानों में जो ड्रेस इस्तेमाल हुई थी वही ड्रेस यहाँ की मॉडल्स ने तैयार कर यहाँ रैंप वॉक किया, जिससे फिर से पुराने गानों की यादें ताजा हो गईं। फैशन शो की थीम बॉलीवुड गानों पर रखी गई, जिसमें बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करने के लिए फैशन शो दिखाया गया। बता दें कि लेटेस्ट बॉलीवुड गाने, गोल्डन एरा के गाने और पुराने गानों पर ये थीम रखी गई, जिससे ये समा और ज्यादा खूबसूरत हो गया। बता दें कि ये फैशन शो देखकर सभी अतिथिगण बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और खूब सराहना की। इस फैशन शो में कई तरह के कॉस्ट्यूम डिजाइन पेश किए गए, जिसमें मार्वल स्टूडियो में फैशन और सिनेमा की खूबसूरती दिखाई गई। इस कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अच्छा लग रहा है कि हम लोग 15 एनिवर्सरी मना रहे हैं एंड इतने बड़े बड़े दिग्गज आए हैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस, अपने चीज़ें बच्चों के साथ शेयर करने के लिए। मैं भी यहाँ पे आई हूँ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपनी खुशी बांटने के लिए कि हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और होना ही चाहिए, क्योंकि आपके स्कूल से हर जगह से इतने सारे एक्टर्स बनना चाहते हैं और इतने अच्छे गुरु हैं हमारे पास, इंस्टीट्यूट से कितने लोग बाहर निकले हैं जो बहुत बड़े बड़े नाम बन चुके हैं। सो इट्स अ प्रिविलेज टू बी ओवर हियर एंड मैं ये कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ एंड ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ सब लोगों को कि आप लोग मन से पढ़ाई करो, सीखो, सीखने से बहुत कुछ आप पा सकते हो लाइफ में एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैम, फैशन शो में जो कलेक्शन दिखाई गई, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में?
सो मुझे ये मेहनत बहुत पसंद आई, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट जो है इंडिपेंडेंट वुमन वाला है, क्योंकि दैट इज़ टू बोल्ड एंड रियली रियली स्मार्ट। और बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं, मॉडल्स भी बड़े प्यारे थे, डिज़ाइनर्स भी बहुत अच्छे थे। इट्स अ ग्रेट एफर्ट, रियली ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। मैं आपको बताने जा रहा था कि दूसरे दिन 15वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल की आखिरी इवेंट जो था आज फैशन शो था, और फैशन शो की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि ये तमाम बॉलीवुड के उन चर्चित फिल्मों और गानों के साथ जुड़ा हुआ था, और हर गाने के ऊपर जिस हीरोइन ने जो कपड़े पहने थे उन्हीं कपड़ों को यहाँ पे दोबारा बनाया गया, और हमारे ही स्टूडेंट ने मॉडलिंग की और उसको दर्शाया गया, और उसको देखकर सब लोग सिर्फ अचंभे में नहीं बल्कि स्तब्ध रह गए, क्योंकि इस खूबसूरत ढंग से उन्होंने इन कपड़ों को तैयार किया है कि उन कपड़ों को देख के ही फिल्मी गाने और फिल्मी पिक्चर याद आ रही है। और इसमें वुमन एम्पावरमेंट को लेकर भी एक दिखाया गया था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो हमारा एक सिलेबस का हिस्सा है जहाँ पर वुमन एम्पावरमेंट को हम लोग सामने हमेशा लेकर आते हैं, जो SDG के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 17 पॉइंट यूनाइटेड नेशन के, उसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वुमन एम्पावरमेंट का, और इसीलिए हमारे हर कार्यक्रम के साथ हम कोई ना कोई ऐसा एक क्षण छोड़ जाते हैं जो आम जनता के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, गेस्ट के ऊपर ये इम्पैक्ट छोड़ दे कि हम खुद चाहते हैं कि महिलाओं को उभारा जाए, ऊपर उठाया जाए, और वो मर्दों के बराबर हैं और उन्हें उतनी ही इज्जत और काम मिलना चाहिए जितना कि आदमियों को मिलता है। आज बॉलीवुड के कई शख्स शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, अच्छा लगता है जब दूर दूर से दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, कानपुर, जयपुर जैसे सभी बड़े शहरों से बड़े बड़े कलाकार जो फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके आने से यहाँ पर एक नई रौनक उठती है, एक नई एनर्जी पैदा होती है, और वो अपने ज़िंदगी के तजुर्बों को जब यहाँ पर बाँटते हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि जब वो 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बोलेंगे तो वो अपने 25 साल 30 साल के तजुर्बे को निचोड़कर एक जिंदगी के वो तत्व और मूल बता देंगे जिसको लेकर वो उन्होंने जिंदगी में कामयाबी हासिल की है। अगर उसको कोई समझ ले, पढ़ ले, सुन ले और अपने जिंदगी में उतार ले तो मैं समझता हूँ ये सभी स्टूडेंट जो हैं ये कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, एनर्जी बहुत अच्छी है इस कॉलेज की। मेरा पहली बार है मारवा स्टूडियो में और मारवा सर से आज मिला हूँ, क्या एनर्जी है, मतलब जितनी मारवा सर की एनर्जी है उतनी ये कॉलेज की भी एनर्जी है। मुझे लगता है उन्होंने सारी ट्रांसफर कर दी अपने स्टूडेंट्स में, बट आई एम वेरी ग्लैड टू बी हेयर बिकॉज एज एन आर्टिस्ट मैं भी चाहता हूँ कि सारे लोग ग्रो करें, कुछ अगर मेरे से कुछ सीख सकते हैं या मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं तो वो सीखें और बने, तो बहुत खुशी होती है कि सब काम करें, बस यही चाहता हूँ मैं। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एटमोसफेयर है, मज़ा आया एंड खुशियाँ बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं ये कहूँगा कि कुछ कुछ डिज़ाइन से तो देखो सब, अब ये तो नहीं है कि हर एक डिज़ाइन अच्छा लगे, बट कुछ पर्सनल डिज़ाइन होते हैं मेरी, अब कुछ अपना टेस्ट है तो वैसे भी बहुत अच्छे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ पसंद नहीं आया, बट बहुत चीज़ें पसंद आई, बहुत अच्छा लगा एंड बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, लाइक सारे बहुत एफर्ट पुट कर रहे हैं, जो कि नोएडा में इतना बड़ा मारवा स्टूडियो खोल रखा है एंड ये पता ही नहीं था मुझे, एंड आई आज आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यार कितना कुछ हो रहा है। इन सभी स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे आप अपकमिंग स्टार्ट अपने एक्सपीरियंस के? जी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं तो यही कहूँगा कि सारे फोकस रहें, काम पे काम करते रहें, अपनी कला पे ज़्यादा काम करें, जो कर रहे हैं उस पे ध्यान दें, और बाकी तो मैं ये कहूँगा कि बॉम्बे में जब आते हैं तो सारे बहुत चीज़ें भटक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, मेरे को लगता है कि सही लोगों से मिले, भटके ना, काम करते रहें, एक फोकस रखें और कभी गिव अप ना करें, तो मैं कहता हूँ कि कुछ भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम डॉक्टर बिन्नी सरीम फ्रॉम माउंट आबू, और इस फेस्टिवल में मेरा पहली बार आने का मुझे मौका मिला है, और मैं समझती हूँ कि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी धरोहर है, क्योंकि इस फिल्म के लिए ज़्यादातर लोगों को लगता है जिनमें हुनर है या कुछ सीखना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि कहाँ जाकर इस प्रकार की जो टैलेंट्स को वो अपनी लाइफ में ले, तो इसका बहुत अच्छा जो एम है, जो लक्ष्य है वो
यूथ के और स्टूडेंट्स के टैलेंट्स को ना केवल इन्हेंस करना लेकिन उनको एक पॉजिटिव माइंडसेट भी देना, उनके उनको तैयार करना. सी आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ द 15th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल. जैसे मैंने एंटर करते ही जब सारे स्टूडेंट मुझे फेलिसिटेट कर रहे थे, मैंने बोला दैट मैं खुद इस इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ ब्रीफली. स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू मैं यहाँ पे एक 15 दिन का वर्कशॉप अटेंड कर चुकी हूँ व्हेन आई यूज्ड टू बी इन कॉलेज. सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड ऑनर्ड. प्लस आई नो द हार्ड वर्क एंड द वन ऑन वन यू नो टीचिंग इज प्रोवाइडेड हियर.